हेलो एवरीवन, मैं उशानू आप सभी के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2022 के पांचवें मैच के बारे में, जो होने जा रहा है राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में। आज भी हम जानेंगे कि कप्तान जो हैं दोनों, उनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, दोनों टीम के जो कप्तान हैं उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है ज़्यादा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है कि आप जैसे ड्रीम इलेवन टीम बनाएं, क्रिकप्लेक्स इलेवन टीम बनाएं, या फिर जितनी भी फैंटेसी आप खेलते हैं उसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं सनराइजर हैदराबाद के कप्तान यानी कि केन विलियमसन से। जी हाँ, आज हम जानेंगे इनके T20 इंटरनेशनल करियर के बारे में और साथ में IPL के करियर के बारे में। जी हाँ, कैसा इनका IPL का करियर रहा है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले T20 इंटरनेशनल से। तो केन विलियमसन का T20 इंटरनेशनल का करियर कुछ ऐसा रहा कि इन्होंने 74 मैच अभी तक के T20 इंटरनेशनल के खेले हैं, वहीं पर 72 बार इनको मैदान पर उतारा गया जिसमें इन्होंने 2021 रन बनाए। इसी के साथ साथ इनका एवरेज रहा 32.6 का और स्कोर रेट रहा 123.84 का। जी हाँ, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने कोई भी सेंचुरी अपने T20 इंटरनेशनल के करियर में नहीं लगाई है। वहीं पर अगर बात की जाए हाफ सेंचुरी की, तो 14 बार इन्होंने T20 इंटरनेशनल में इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई। और वहीं पर अगर बात की जाए छक्के चौकों की, तो चौके इन्होंने 202 मारे हैं और 46 इन्होंने छक्के जड़े हैं। तो ये रहा इनका T20 इंटरनेशनल करियर। अब बढ़ते हैं आगे यानी कि IPL की बात की जाए, IPL का इनका करियर कैसा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि IPL में इन्होंने अभी तक 63 मैच खेले हैं जिसमें से 62 बार इनको मैदान पर उतारा गया। जी हाँ, वहीं पर इन्होंने 1885 रन बनाए हैं और इसी के साथ एवरेज होता है इनका 40.11 का। इसी के साथ साथ अगर स्कोर रेट की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 131.27 का इनका स्कोर रेट रहा है। और यहाँ पर भी सेम रही सिचुएशन कि इन्होंने कोई सेंचुरी नहीं जड़ी, लेकिन हाफ सेंचुरी इन्होंने 17 जड़ी हैं IPL के करियर में और 165 इन्होंने चौके जड़े हैं और 86 छक्के जड़े हैं। तो ये रहा करियर दोनों यानी कि T20 इंटरनेशनल का भी और IPL का भी। केन विलियमसन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन यानी कि संजू सैमसन के बारे में। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि इनके भी हम T20 इंटरनेशनल और IPL के करियर पर एक बार नजर डालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात करते हैं T20 इंटरनेशनल के बारे में। 13 इन्होंने मैच खेले जिसमें से 14 बार इनको मैदान पर उतारा गया और 174 रन इन्होंने मात्र बनाए थे। वहीं पर एवरेज की अगर बात की जाए तो 14.5 का इनका एवरेज रहा है। इसी के साथ स्कोर रेट की अगर बात करें तो 121.68 का इनका स्कोर रेट रहा T20 इंटरनेशनल के करियर में और 10 इन्होंने चौके जड़े थे और 6 इन्होंने छक्के जड़े हैं। तो इतना कुछ हम कह नहीं सकते, इतना सही रहा इनका करियर जो भी है T20 इंटरनेशनल में, इतना नहीं रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम IPL की ओर। तो IPL में आपको बता दूं कि 121 इन्होंने मैच खेले जिसमें से 117 बार इनको बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतारा गया। वहीं पर अगर बात की जाए तो 3068 रन इन्होंने बनाए हैं अपने IPL के करियर में और 29.22 का इनका एवरेज है। स्कोर रेट की अगर बात की जाए तो 134.21 यानी कि माफ कीजिएगा 2.1 का इनका एवरेज रहा। वहीं पर अगर बात की जाए तो 3 इन्होंने सेंचुरी जड़ी है और 15 बार हाफ सेंचुरी जड़ी है जिसमें इनका 236 इनके चौके जड़े हैं और 132 छक्के इन्होंने मारे। तो दोनों ही कैप्टन के स्कोर और T20 इंटरनेशनल और IPL का करियर आपके सामने। अब मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि कौन स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पर, कौन सा कप्तान स्ट्रॉन्ग है वो आप हिसाब लगा लीजिएगा। बाकी तो मुझे ये लगता है कि टक्कर फिर भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है, आज के मैच में पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हमें क्या और सुधार करने चाहिए। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है तो जाओ ज्वाइन करो अगर आपको चाहिए वर्ल्ड की बेस्ट टिप। क्या बात है। तो अभी के लिए बाय बाय, कल होगी फिर से मुलाकात, सुबह 8 बजे डेली वीडियो आ जाया करेगी। तो मैच से पहले आप देखना जरूरी, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली क्या होने वाला है।
बहुत हो गया। बाय बाय।